हर इंसान चाहता है कि उनकी मसल स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो, और जितनी भी यंग जनरेशन है वो चाहते हैं कि मसल किस तरह ग्रो करे, लेकिन अफसोस की बात कि मेडिसिन की तरफ जाते हैं या सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा मसल के ग्रोथ के बारे में कि हम किस तरह अपनी मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, और इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी मसल को मजबूत कर सकते हैं। हमारी बॉडी में तकरीबन 650 मसल है, और उन मसल का मेन काम है मोमेंट में हेल्प करना, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, यानी वो प्रोसेस जिससे खाने से एनर्जी बनाई जाती है। और जितने ज़्यादा मसल मजबूत होगा उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो उनके मसल छोटे होने लगते हैं और मसल के रीजनरेशन कम हो जाते हैं। और मसल को मजबूत बनाने के लिए लोग दो तरीकों को यूज़ करते हैं, यानी हाई प्रोटीन खाना खाना और जिम जाके ट्रेनिंग करना, और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। अगर आप प्लांट डाइट यानी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और वो खाने खाते हैं जिसमें प्रोटीन कम हो तो मसल नहीं बनेंगे। अगर आप अपनी मसल को बनाना चाहते हो तो आपको हाई प्रोटीन खाना होगा, जैसा कि एनिमल प्रोटीन, बीफ, चिकन, फिश, एग, ये सारी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अब बात करते हैं कि कितनी प्रोटीन दिन में ले सकते हैं। तो 0.8 से लेकर 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट पे ले सकते हैं, और जो लोग जिम जाते हैं तो वो लोग 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट पे ले सकते हैं, और जो लोग जिम नहीं जाते वो लोग 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह आप अपनी मसल को मजबूत बना सकते हैं। तो पहली नंबर पर है कोल्ड थेरेपी, और आप कोल्ड थेरेपी का शावर भी ले सकते हैं। और कोल्ड थेरेपी में एक रिसर्च मौजूद है कि कोल्ड थेरेपी से मसल मजबूत होते हैं, और वो जिन मौजूद है जो मसल को ग्रो करने में मदद करते हैं, और कोल्ड थेरेपी इंफ्लामेशन को कम करते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी मसल के लिए क्रिएटिन ज़रूरी है, और हमारे हाई प्रोटीन खाने में क्रिएटिन मौजूद होती है, ख़ास तौर पर मीट में। अगर आप मसल को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हो तो क्रिएटिन आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये मसल नहीं बनाते लेकिन क्रिएटिन एनर्जी के तौर पर काम करती है। अगर आप क्रिएटिन इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपनी मसल को नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।